मां नर्मदा की रुकी बहती धारा, बांध प्रबंधन की तानाशाही से नहीं दिख रहा मां नर्मदा का स्वरूप। बड़वा सनावत के साथ प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का अस्तित्व खतरे में बना हुआ है। ओंकारेश्वर बांध के पानी नहीं छोड़ने के कारण मां नर्मदा के विशाल आंचल में कल कल बहता हुआ जल व स्वच्छ निर्मल जल आज एक नाले के रूप में होकर बदबू व गंदगी से पटा पड़ा है। प्रतिदिन दर्शन के पूर्व मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु जल के अभाव में जख्मी हो व चोटिल हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी है। नर्मदा जी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बड़वा के नर्मदा तट, नवा घाट खेड़ी व सनावत के खेड़ी घाट के दोनों तटों पर प्रतिदिन सैकड़ों भक्त मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। ओंकारेश्वर बांध से पानी नहीं छोड़ने से मां नर्मदा की गर्मी जैसी हालत हो गई है। बेहद कम पानी होने से भक्तों में निराशा है। नर्मदा में पानी कम रहने से श्रद्धालु चोटिल हो रहे हैं, इसमें भक्तों में रोष है। मां नर्मदा में पवित्र कल कल बहते जल की जगह चट्टाने व पत्थर दिखाई दे रहे हैं। ओंकारेश्वर बांध से पानी रोके जाने के कारण मां नर्मदा की ऐसी दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिससे केवल नित्य स्नानार्थियों को ही नहीं बल्कि पर्यावरणविदों को भी चिंता में डाल रखा है। जल रोके जाने की वजह से स्नान के लिए आने वाले भक्तों को परेशानियों का सामना करते हुए गिरते पड़ते पत्थरों के बीच जाकर नर्मदा के जल में स्नान करना पड़ रहा है, जिससे भक्तों में भारी रोष है। सरकार के द्वारा नर्मदा जल के दोहन की अनेक योजनाओं में इंद्रसागर ओंकारेश्वर परियोजना सहित कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जल का दोहन तो जोर शोरों से किया जा रहा है, परंतु नर्मदा के अविरल बहते रहने की कोई भी योजना धरातल पर नहीं है। नर्मदा में पानी की कमी का असर जलीय जीव जंतुओं पर भी हो रहा है। नर्मदा से जीवन पाने वाले जीव जंतु अनेक मछलियों का जीवन पानी की कमी होने से खतरे में है। जल स्तर कम होने से नर्मदा भक्तों में आक्रोश व्याप्त है। हाँ सर बताएं, नर्मदा जी में जल स्तर काफ़ी कम हो गया। हाँ हमारे भी देखने में आता है जल स्तर काफ़ी कम हुआ है, तो NHDC में बात भी मेरी हुई थी, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि पानी का स्तर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि शायद रिक्वायरमेंट नहीं आया है। उसके बाद कुछ मशीन का भी उनका बता रहे थे कि एक ही मशीन चल रही है, तो आज के दिन तो बोल रहे थे कि जो स्तर है वही रहेगा जो आज वर्तमान स्थिति है, लेकिन फिर कल छोड़ दिया जाएगा। श्रद्धालुओं को स्नान करने में और नाविकों को जो है रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया, परेशानियाँ हो गई हैं जी। वो श्रद्धालुओं की जो पानी की कमी थी, इस कारण वो श्रद्धालु में जो श्रद्धा रहती नहाने की और जो रोजगार जुड़े हुए हैं, इसी के तहत तो बात हुई थी कि क्यों पानी का स्तर क्यों कम हुआ है। तो यही स्थिति बनी रही है, आगे तो आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट आ जाएगा। NHDC से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि ये स्तर आज का रहेगा, बाकी फिर जल स्तर छोड़ जाएगा।